हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैमसंग A52s में वन यू आई 5.0 का अपडेट आ चुका है, या फिर जितने भी सैमसंग गैलेक्सी में वन यू आई 5.0 का अपडेट आ चुका है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके बैटरी रिव्यू बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट बैटरी का परफॉर्मेंस क्या दे रहा है इस अपडेट होने के बाद। मेरे पास लगभग 1 वीक हो चुका है या फिर 10 डेज हो चुके होंगे इस अपडेट को आए, और मैं कंटिन्यू उसको वर्क कर रहा हूं, और कितना मेरे पास ये रिव्यू है बोल सकते हैं, कितना ये मेरे पास बैटरी कैसे चल रही है एग्जैक्ट मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं, मैं यहां पर अपने मोबाइल का यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूं ताकि आप एग्जैक्ट वहां पर समझ सकें जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। एक्चुअली ये मेरे पास अपडेट आ चुका है, मैं यहाँ पर कैसे अपने मोबाइल को यूज़ करता हूँ पूरा फुल रिव्यू आपको बताने वाला हूँ, और कितना मेरे पास बैटरी परफॉर्मेंस दे रहा है पूरी आई। आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं ले जा रहा हूँ आपको यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद मैं ले जा रहा हूँ आपको अबाउट फोन के अंदर। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको ले जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वन यू आई 5.0 आ चुका है, और ये एंड्रॉयड 13 मेरे पास इनेबल है, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं मेरे पास एंड्रॉयड 13 आ चुका है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ बैक। बैक आने के मैं सबसे पहले ले जा रहा हूँ आपको डिस्प्ले के अंदर ही। यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पर जो डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, मोशन मेरा जो सेंसर है ये हाई पे है, मतलब कि 120 Hz का मैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बेस्ट होता है रिफ्रेशमेंट, और इससे बैटरी ज़्यादा खाता है, पर फिर भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे को आएंगे, यहाँ पर जो मैंने डार्क मोड लगा के रखा है ये मैंने टाइमिंग वाला सेट कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा कस्टम है, सुबह सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरा यहाँ पर डार्क मोड रहता है, और शाम को 6 बजे के बाद मेरा यहाँ पर लाइट मोड पे आ जाता है, या फिर बोल सकते हैं लाइट मोड पे या सिंपल मोड पे आ जाता है। तो मैं दोनों यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर ब्राइटनेस मेरी इतनी ही रहती है, और ऑटो ब्राइटनेस पे इसको मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे हमेशा मेरे जो मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रहता है, क्योंकि मेरी डिवाइस कनेक्ट रहती है, वॉच कनेक्ट रहती है, लोकेशन मेरी ऑन रहती है, ये सब चीज़ें मेरी सर्विसेज ऑन रहती है। आप जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ब्लूटूथ ऑन है, मोबाइल डेटा ऑन है, लोकेशन ऑन है, और मैं ऐसी रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब कुछ कर सकता हूँ, वाईफाई कॉलिंग सब ऑन रखता हूँ, मेरा सब कुछ चालू रहता है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट रिव्यू पता चले। उसके बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट मेरा 15 सेकेंड का रहता है। मैं बैक आ गया, बैक आने के बाद आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाले आइटम पे, बैटरी एंड डिवाइस केयर पे। बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ बैटरी पे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ बैटरी यूजेस सिंस लास्ट चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब से मैंने इसको लास्ट चार्ज किया था, लगभग 18 घंटे पहले मैंने इसको चार्ज किया था, और अभी तक 18 घंटे 57 मिनट्स मेरा मोबाइल अभी तक चल चुका है, जिसमें स्क्रीन ऑन टाइम मैंने 5 घंटे 32 मिनट, मतलब 5.5 घंटे मैंने मोबाइल को यूज़ भी करा है, और स्क्रीन ऑफ टाइम 13 आवर्स, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है मेरा। अगर आप देखेंगे कंटिन्यू सेम यहाँ पर रहेगा, तो आप ये देखेंगे कंटिन्यू मैंने यहाँ पर कितना कुछ यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं लास्ट 7 डेज पे आपको ले जाऊँ, लगभग मुझे लास्ट 7 डेज हो ही गए मनी वाई अपडेट पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइक 9 तारीख को मैंने यहाँ पर अगर आप उसको देखेंगे तो 4 घंटे स्क्रीन यूज़ करी, जिसमें मेरा स्क्रीन ऑफ टाइम 17, मतलब ओवरऑल 21 घंटे मेरा मोबाइल चला। तो यहाँ पर आप एक एक करके देखेंगे तो लगभग मेरा 4-5 घंटे के आसपास में डेली का मेरा मोबाइल का यूज़ करने का वही है, और उसके हिसाब से ये यहाँ पर मेरे पास इतना ये चल रहा है ओवरऑल, मतलब कि 18-19 घंटे मेरे पास चल रहा है, जिसमें मेरा 5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम रहता है और स्क्रीन ऑफ टाइम रहता है 13 आवर्स, लगभग 18-19 घंटे मेरे पास यहाँ पर बैटरी चल रही है। जो आपको मैंने सजेशन बताई, मैं डार्क मोड यहाँ पर मॉर्निंग, मतलब सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरे पास डार्क मोड ऑन होता है, उसके बाद मेरा लाइट मोड यूज़ होता है, मतलब 12 घंटे डार्क मोड और 12 घंटे लाइट मोड भी यूज़ करता हूँ, सब लोकेशन वाईफाई ब्लूटूथ सब ऑन रहता है, उसके बाद भी मेरे पास ये सर्विस दे रहा है। ये जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ एग्जैक्ट रिव्यू है आपका, ऐसा नहीं कि मैं आप अपने मोबाइल पे देखेंगे तो आपको भी ये दिख सकता है, बट आप नीचे की तरफ देखेंगे मैं यहाँ पर कोई गेमिंग नहीं करता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास क्रोम ज़्यादा यूज़ करा, कॉलिंग ज़्यादा यूज़ करी, इंस्टाग्राम यूज़ करा हुआ है, म्यूज़िक ज़्यादा यूज़ करा है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी, पर इसमें कहीं भी आपको ना गेमिंग दिख रहा है। अगर आप अपने डिवाइस में कोई गेमिंग यूज़ करते हैं, या फिर आप नेटफ्लिक्स अमेज़ोन ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हो सकता है आपका बैटरी का जो वो है वो ज़्यादा डाउन हो, बैटरी के यूजेस ज़्यादा होंगे तो आपकी वहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस भी डाउन होगी।
ओवरऑल अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने यूज़ करा है, तो आपको भी इतना सर्विस तो मिलेगी ही, गारंटेड है, जो कि मेरे पास भी आपको दिख रहा होगा चल रही है। तो यही नया, यही जो मैंने आपको बताया वन यू आई 5.0 की बैटरी की रिव्यू करके, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों।